हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग चैनल में। आज संडे है तो सोचा कुछ अच्छा बनाती हूँ, इसलिए रात में ये छोले गला के रख दिए थे और उसी की तैयारी में किचन में लगी हूँ। सुबह के सारे काम निपटा लिए जल्दी जल्दी और किचन में आ गई हूँ और छोले उबलने के लिए रखने जा रही हूँ। नमक और सोडा डाल के छोले उबलने के लिए रख दूँगी। ये रख दिया मैंने छोले उबलने के लिए और किचन की बालकनी से देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है। लेकिन क्या करूं, दरवाज़ा बंद करके ही खाना बनाना पड़ता है। कुछ बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा लाओ फटाफट इनको भी साफ़ करके रख देती हूं। और मसाला तैयार करने के लिए मैंने प्याज मिर्ची अदरक लहसुन ले लिया है और इसका फटाफट पीस के तैयार कर लेती हूँ। आज किचन में मेरे एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया। कुकर में एक सीटी तो हुई मगर दूसरी नहीं हुई और उसने पूरा पानी फेंक दिया। ये तो अच्छा रहा कि कुछ हुआ नहीं और मुझे भी कुछ सुनाया समझ में नहीं आया तो मैंने जल्दी से कुकर उठा के नीचे रख दिया। पूरा किचन गंदा हो गया था, दोबारा से पूरी फिर से मेहनत करनी पड़ी। चलिए ठीक है, मगर कुछ हुआ तो नहीं। और यहाँ मैंने चावल ले लिया है, फटाफट चावल बनाती हूँ। गर्मी भी बहुत हो रही है मगर बाहर अच्छी हवा चल रही है, मगर दरवाज़ा बंद करके ही बनाना पड़ रहा है क्योंकि गैस उड़ती है। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेज़पत्ता और जीरा डाल दिया है। अब पेस्ट प्याज लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालने जा रही हूँ। ये सारे मसाले डाल रही हूँ। कुकर की सीटी ख़राब हो गई है लग रहा। एक बार और हुआ था तो मैंने सोचा कि शायद सीटी में कुछ फंस गया होगा, लेकिन आज दोबारा फिर से हो गया। अब तो मुझे कुकर को चढ़ाने में ही डर लग रहा है। जाके मार्केट जाके उसको दिखा के ही आऊँगी। और इधर मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ और टमाटर ले लिए हैं मैंने अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए। और फटाफट टमाटर पीस लेती हूँ। छोले मैंने बाद में बिना प्रेशर के ही धीमे पकाए हैं, धीमी आंच पे। और ये मैंने टमाटर पेस्ट डाल दिया है, फटाफट अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। संडे को बहुत काम रहता है। और इधर जब तक मसाला भुन रहा है तब तक बाथरूम में कपड़े पड़े हैं डालने के लिए, सोचा है लाओ फटाफट उनको भी डाल देती हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्लिप क्लिप लगा कर के ही कपड़े डालने हैं। एक बार तो मेरा कुर्ता वगैरह भी नीचे उड़ गया। आज बहुत ही थकान भरा दिन हो रहा है लग रहा, क्योंकि किचन दोबारा से फिर से साफ करनी पड़ी मुझे। ये ग्रेवी हो, अब इसमें छोले ऐड कर रही हूँ। कुछ छोले मैं छोड़ देती हूँ छोले बनाने के लिए और इसको अच्छे से मैश करके छोले में ऐड करती हूँ, जिससे कि छोले में गाढ़ापन आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इधर मैंने चावल फ्राई कर दिया, इसमें एक चम्मच घी डाला है, तेज़पत्ता जीरा काली मिर्च लौंग डाल के फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह ढेर सारा काम रहता है। ये लगा दिया मैंने ढक्कन और यहाँ फटाफट आटा निकाल रही हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ।
सारी तैयारियां करके रख देती हूँ, इससे कि बच्चे फ्रेश होंगे, नहा धो के तैयार होंगे, फटाफट उनको खाना दे दूँगी। ये मैंने आटे का डो लगा दिया, यहाँ हाथ धो रही हूँ और किचन का कपड़ा भी धो करके बाहर बालकनी में फैला देती हूँ। और आज बहुत ही थकान सी लग रही है, इधर जब तक चावल बन रहे हैं तब तक फटाफट सैलेड काट देती हूँ। ये कट गई मेरी सलाद, मैंने काट के रख दी फटाफट। और अब सोच रही हूँ कमरे में जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर आई थी आज तो मैंने फेस वगैरह भी नहीं देखा अपना मिरर में, सुबह से काम में ही लगी हूँ, सुबह उठी हूँ, योगा किया और उसके बाद फिर घर की थोड़ी साफ़ सफाई और फिर पूजा और फिर किचन में आ गई। ये धनिया साफ कर रही हूँ और कुछ फल अभी ऑनलाइन मंगाई थी मैंने सब्जी, वो दे गया है तो वही रख रही हूँ। आम मंगाए थे मैंने, देखिए कितने अच्छे आम हैं, और केला और लौकी देखिए कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लौकी है। छोले में डालने के लिए थोड़ी सी धनिया निकाल ली है और यहाँ ये सब्जियाँ फटाफट फ्रिज में लगा देती हूँ। आम फ्रिज में रख रही हूँ और केले बाहर ही रखे रहने दूँगी। ये धनिया काट ले रही हूँ मैं सब्जी में डालने के लिए। और यहाँ पे देखिए छोले बनके रेडी, ऊपर से थोड़ा सा मैंने छोले मसाला डाल दिया है और ये ऊपर धनिया डाल रही हूँ। ये बन गए छोले, छोले बनके रेडी हो गए। और इधर चावल भी मैंने बीच में रख दिया था तो चावल भी बन गए हैं। और इधर फटाफट आटा गूंद के रखा ही था तो इसकी रोटियां सेक लेती हूँ, खाना रेडी है। छोले के साथ पूड़ी अच्छी लगती लेकिन बच्चों ने मना कर दिया और मुझे भी कम पसंद है। और ये लग गई मेरी थाली, अब यहाँ बैठ के आराम से खाना खाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।